हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। मेरे प्यारे साथियों, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं UPSC, SSC, रेलवे, बैंक, GRE, नेट, गेट, CSE इत्यादि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डेली राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वीडियोज प्राप्त करें। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2080 दैट सीक्स टू डू अवे विद द नो डिटेंशन पॉलिसी इन स्कूल्स। भारतीय संसद ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 पारित किया, जो स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का प्रयास करता है। यह कानून महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही लाता है। नेक्स्ट, द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2080 फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा। द लोकसभा हैड ऑलरेडी पास्ड द बिल। द बिल सीक्स टू अमेंड द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE एक्ट 1993। भारतीय संसद ने राज्य भाषा सभा की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 पारित किया। लोकसभा ने पहले ही विधेयक पारित कर दिया था। इस विधेयक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम NCTE 1993 को संशोधित किया जाएगा। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार की। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप साइंड इनटू लॉ द एशियन रेजुनेंस इनिशिएटिव एक्ट ARIA एरिया विच पास्ड द US सीनेट अर्लियर इन दिसंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने कानून में एशिया रीअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट एरिया पर हस्ताक्षर किए, जिसने दिसंबर में पहले US सीनेट को पारित किया था। नेक्स्ट, अरुणिमा सिन्हा द फर्स्ट फीमेल एम्पटी टू हैव कॉन्क्यूर्ड माउंट एवरेस्ट क्रिएटेड येट अनोदर रिकॉर्ड एज द बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन एम्पटी टू क्लाइम माउंट विंसन द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला एम्पटी ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। वह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला एम्पटी बन गई है। आइए बात करते हैं बैंकिंग और इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग और व्यापार समाचार की। HDFC म्यूचुअल फंड हैड पेपर्ड ICICI प्रूडेंशियल MF टू बिकम द कंट्रीज लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी आफ्टर ए गैप ऑफ ओवर 2 ईयर्स। HDFC म्यूचुअल फंड ने ICICI प्रोडेंशियल MF को 2 साल के अंतराल के बाद देश की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनी बनने के लिए पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट, सिंडिकेट बैंक एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस साइंड एन बैंक एश्योरेंस पैक्ट एमिंग टू ऑफर ए कॉम्प्रेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग सॉल्यूशन टू इट्स कस्टमर्स। द पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन सिंडिकेट बैंक MD एंड CEO मृत्युंजय महापत्रा एंड MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ संजीव नोटियाल।
सिंडिकेट बैंक और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों के लिए एक व्यापक वित्तीय नियोजन समाधान की पेशकश करने के उद्देश्य से एक बैंक अश्योरेंस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। संधि पर सिंडिकेट बैंक के एमडी और सीईओ मृत्युंजय महापात्रा और एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ संजीव नोटियाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, मार्केट्स रेगुलेटर्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज अलाउड कस्टोडियल सर्विसेज इन द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट्स। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार में कस्टोडियल सेवाओं की अनुमति दी है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, अब्दुरिज निधन। रिनाउड बंगाली राइटर एंड साहित्य अकादमी अवार्डी दिव्येंदु पलित पास्ट अवे ड्यू टू एज रिलेटेड एलमेंट्स। ही वाज 79 ईयर ओल्ड। पलित वाज कन्फर्ड द साहित्य अकादमी फॉर हिज नॉवेल अनुभव इन 1998। जाने माने बंगाली लेखक और साहित्य अकादमी से सम्मानित दिव्येंदु पलित का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। वह 79 वर्ष के थे। पलित को 1998 में उनके उपन्यास अनुभव के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें। यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।